गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी ठीक होंगे। हम इस पर से यही काम करते हैं। पिछली वाली जो कक्षा थी हमारी, उस कक्षा में हमने बात की थी भाषा व्याकरण लिपि का जो बिंदु शुरू किया था, उसमें हमने ये बात की थी कि जो भाषा होती है वो भाषाधातु से बनी हुई है, जिसका मतलब होता है विचार प्रकट करना। और हमने जाना था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा की जो कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। और इसके अलावा भाषा सीखने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा व्यक्ति भाषा को सीख सकता है। आज की जो कक्षा होगी उसमें हम नजर डालेंगे कि भाषा के जो प्रकार है, तो हमने पढ़ा था कि भाषा के तीन प्रकार होते हैं। भाषा के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो पहला प्रकार जो होता है वो होता है मौखिक भाषा। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लिखित भाषा। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है सांकेतिक भाषा, यानी मौखिक भाषा किसे कहेंगे, लिखित भाषा किसे कहेंगे और सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे। इसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित हो चुके हैं कि किसे कहेंगे मौखिक भाषा। तो देखिए, परिभाषा में हम लिखें इसे तो कहेंगे कि जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान सुनकर वह बोलकर करता है, तो वो भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आप सब उसे सुन करके ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा माध्यम हुआ? मौखिक माध्यम हुआ। कौन सा माध्यम हुआ? मौखिक माध्यम हुआ। तो मौखिक भाषा से आप सभी समझ गए होंगे कि जब हम क्या करेंगे, अपने विचारों को क्या करेंगे, बोलेंगे और जो दूसरे वाला व्यक्ति हमें सुनेगा, फिर वापस वह उत्तर देने के लिए बोलेगा, हम सुनेंगे। इस प्रकार से जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे, बोलकर और सुनकर या सुनकर और बोलकर, तो वह भाषा का कौन सा माध्यम होगा? मौखिक माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? मौखिक माध्यम होगा। तो आप सब लोगों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि भाषा का मौखिक माध्यम है, उस माध्यम में हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान सुनकर और बोलकर करते हैं। दूसरा जो माध्यम होता है अपना, वो कौन सा होता है? लिखित माध्यम। लिखित माध्यम में क्या होगा? भाषा का जो दूसरा माध्यम है लिखित भाषा, उसमें हम क्या करेंगे कि जब अपने या जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है,
यानी जब हम क्या करेंगे कि जब हम अपने विचारों को लिखेंगे और जो सामने वाला है वो उन्हें पढ़कर के ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद में फिर वो अपना जो समझ होगी उसको विकसित करने के लिए कुछ लिख करके हमें उत्तर भेजेगा और हम उसे वापस पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से लिख कर और पढ़कर किया जाता है। तो वह भाषा का कौन सा माध्यम होता है? लिखित माध्यम होता है, अर्थात उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में एक इतना सा अंतर है। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? सुनकर और बोलकर। ठीक उसी प्रकार से लिखित भाषा में हम क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान लिख करके और पढ़ करके करते हैं। जैसे मैंने ये कुछ बातें आप सबके सामने लिखी है, तो इन सब बातों को आप कैसे समझ रहे हैं? इन सब बातों को मैंने लिखा, आपने पढ़ा, अर्थात मैंने लिख करके और आपने पढ़ करके इन बातों को ग्रहण किया है। पहले मैंने इन बातों को मौखिक आप लोगों को बताया था, मैंने बोल करके आप लोगों को बताया और आप सबने इन बातों को सुन करके ग्रहण किया। तो वो वाला माध्यम तो हुआ मौखिक माध्यम। और जब इन्हीं बातों को हमने क्या कर दिया? नोट डाउन कर दिया, अर्थात लिख दिया। तो ये कौन सा माध्यम हो गया? मैंने लिखा और आपने उनको पढ़ा, ये माध्यम हो गया लिखित माध्यम। इसके बाद में जो तीसरा माध्यम होता है वो कौन सा माध्यम होता है? वो होता है अपना सांकेतिक भाषा का रूप। सांकेतिक भाषा यानी जब क्या होता है, जब विचारों का आदान प्रदान या विचार विनिमय संकेत के माध्यम से किए जाए, जब हम क्या करें अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करें? इशारों के माध्यम से करें। तो वह भाषा कौन सा रूप होता है? सांकेतिक भाषा। अर्थात जैसे मान लिया जाए कि आप कक्षा से बाहर जा रहे हैं और आपको बोलने की इजाजत नहीं है, अर्थात आपको पहले से संकेत निर्धारित किए गए कि अगर आपको कोई अर्जेंट वर्क है तो आपको कैसे संकेत करना है। तो आप कक्षा से खड़े होंगे और गुरुजी के सामने संकेत करेंगे तो गुरुजी समझ जाएंगे कि विद्यार्थी को किस चीज की आवश्यकता है, वो यहाँ है बाहर जाना चाहता है कक्षा से, तो वो आपको इशारों से क्या कर देंगे? हाँ या ना कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हम विचारों का आदान प्रदान या एक दूसरे को समझने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? सांकेतिक रूप होता है। वह भाषा का कौन सा रूप होता है? सांकेतिक रूप होता है। तो इस प्रकार से आप सबके बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कि भाषा के तीनों प्रकार हैं, मौखिक लिखित और सांकेतिक भाषा। उनमें से उनकी जो परिभाषाएं हैं और उसका जो आदान प्रदान होता है, अर्थात हम अपने विचारों को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, ये बात भली भांति आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करें कि ये जो तीनों भाषाएं हैं इन भाषाओं में सबसे सरल कौन सी है, सबसे कठिन कौन सी है, सबसे सरल और कठिन कौन सी है? तो देखो थोड़ी सी बात हम समझने का प्रयास करें कि जो मौखिक भाषा होती है वो सबसे सरल भाषा होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? सरल भाषा होती है सबसे। क्यों होती है? देखो लिखित भाषा होती है वो सरल भी होती है और कठिन भी होती है, लेकिन जो सांकेतिक भाषा होती है वो सबसे कठिन होती है। अब देखो कैसे मौखिक जो भाषा होती है वह भाषा क्या होती है? हम कुछ ध्वनि को उच्चारण करते हैं और उन ध्वनियों को सुन करके जो सुनने वाला होता है वो क्या करता है? अर्थ ग्रहण करता है या समझता है भाव, तो वो समझ लेता है। इसके बाद
बात लिख रहे हैं या जो विचार प्रकट कर रहे हैं, अगर आगे वाला उस भाषा को जानता है तो उसके लिए तो वह भाषा कैसी हो गई, सरल हो गई। लेकिन अगर आगे वाला उस भाषा को नहीं जानता तो उसके लिए भाषा कैसी हो गई, कठिन हो गई। जैसे मान लो आप सबको हिंदी भाषा आती है, हम सभी हिंदी भाषा भाषी देश में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या हुआ है, ये सारी भाषा क्या है, पढ़ना आसान है। जो बात मैंने यहाँ लिखी आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए आपके लिए भाषा कैसी हो गई, सरल हो गई। और जिसको पढ़ना नहीं आता था, जिसको हिंदी भाषा नहीं आती, उसके लिए भाषा कैसी हो गई, कठिन हो गई। तो इसलिए लिखित भाषा कैसी होती है, जिन व्यक्तियों को आती है उनके लिए तो सरल हो जाएगी और जिनको नहीं आती उनके लिए कठिन हो जाएगी। लेकिन जो सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है वो कठिन होती है। क्यों कठिन होती है कि जैसे देखिए कुछ भी हो, आप दो मित्र हो और दोनों मित्रों ने कुछ ऐसी वार्तालाप कर रखी है जिसका किसी को पता नहीं है। अर्थात शाम का जब समय हो, आपके पिताजी आपको जैसे मान लीजिए कहीं बेटा आपको संध्या के समय बाहर नहीं जाना है, लेकिन आप चाहते हो तो मित्र के साथ क्या करें, बाहर घूमे थोड़ी देर, तो आपका मित्र आपको कहेगा कि देख मैं तेरे घर को आ नहीं सकता दरवाजे पर क्योंकि तेरे पिताजी मुझे डांटते हैं। तो आप वो कहेगा आपको कि मैं देख जब तू आएगा या मैं शाम को आते ही क्या करूंगा, तीन ताली बजा दूंगा बाहर आकर के, और तीन ताली की आवाज सुनते ही वो फिर किसी बाहर निकल करके आ जाएगा। तो क्या हुआ, आपने तीन ताली बजाई और आपके मित्र के पिताजी क्या वो समझ पाएंगे कि ये तीन ताली क्यों बजा रहा है, इस बात को वो समझ नहीं पाएंगे कि ये अपने बेटे को ले जाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो सांकेतिक भाषा होती है उसे समझना क्या होता है, आसान नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप कहीं जाते हैं और किसी खुशी का माहौल होता है तो वहां पर कुछ अनायास अच्छे दृश्य देख करके आप ताली बजा देते हैं। कभी कभी आप उत्सव में जाते हैं या सभाओं में जाते हैं तो वहां पर किसी भाषण को सुनकर के ताली बजा देते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो ये आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको क्या रखना है, बातों का ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा कौन सी है, लिखित कौन सी है और सांकेतिक भाषा कौन सी है और कौन कौन सी चीजें किसके अंतर्गत आती है, और अपने जो सड़क मार्ग पर जितने भी चिन्ह लगे हुए रहते हैं वो सब भी किसके रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा के रूप होते हैं। एक छोटी सी बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए गाड़ी का जो हॉर्न होता है, आप सड़क से गुजर रहे हैं और पीछे से मोटरसाइकिल वाला या ट्रक वाला क्या करता हॉर्न देता है, तो हॉर्न की जो ध्वनि होती है वो कैसा रूप है, भाषा का कैसा रूप है, तो वो न तो मौखिक रूप है न लिखित रूप है। क्योंकि मौखिक और लिखित रूप दोनों में क्या होता है, क्या होता है, लिपि के अंदर जो लिखे जाने वाले अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, इन उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन जो हॉर्न की आवाज होती है उसका कोई क्या नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई इसकी ध्वनि नहीं है, मतलब एक अलग प्रकार की ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात वो भी किसके अंतर्गत आएगी, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखी जाएगी। तो यहाँ तक आप सबको ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि भाषा के जो तीनों रूप होते हैं उनको किस किस प्रकार से कैसे कैसे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कौन सा रूप सरल होता है, कौन सा रूप कठिन होता है। इसके बाद हमारी जो अब तक की वार्ता हुई भाषा के ऊपर वो आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस संसार में अनेक भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो हमारा जो अध्ययन बिंदु है वो है भाषा व्याकरण लिपि का परिचय। तो अब तक हमने भाषा की बात की है कि भाषा भाषा से बनी है जिसका अर्थ होता है विचार, विचार प्रकट करना, और उसके रूप पढ़ लिए हमने, उसकी विशेषताएं जान ली। लेकिन हम जब बढ़ना चाह रहे हैं किस ओर बढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी भाषा की ओर, किस ओर बढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी भाषा की ओर। तो आओ देखें कि जो हिंदी भाषा है वो कैसे आई, कैसे उसका विकास हुआ, जानने का प्रयत्न करें हिंदी भाषा के बारे में। तो देखिए आप सब ये जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से जन्म हुआ है उसका, यानी यूं कहे कि संस्कृत भाषा से किसका जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का। क्या ऐसे सीधा इसका जन्म हिंदी भाषा का जन्म सीधा संस्कृत से हो गया, क्या संस्कृत के बाद
भी हिंदी आ गई। तो देखो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति के संबंध में जो विचार है विद्वानों के कि क्या हुआ, सब जब संस्कृत भाषा चलती थी, कौन सी भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा, तो इसके दो रूप थे, कौन कौन से, एक तो साहित्य और दूसरी लौकिक, एक तो साहित्य रूप और दूसरा लौकिक। तो साहित्य का रूप था उसमें किसकी रचना हुई, यानी इस वैदिक संस्कृत को क्या कहा गया, साहित्य भाषा के दो रूप थे, तो साहित्य रूप और एक लौकिक रूप, इसमें किसकी रचना हुई, वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। तो जब वैदिक संस्कृत कठिन थी, तो जब कठिन भाषा लोगों के समझ में नहीं आती है तो लोग क्या करते हैं, कई जो शब्द होते हैं उनका सीधा उच्चारण करने लग जाते हैं, अर्थात क्लिष्ट शब्दों को क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ करके उनका उच्चारण करते हैं। तो उसी प्रकार से वैदिक संस्कृत के बाद में जिस संस्कृत का जन्म हुआ वो लौकिक संस्कृत थी, अर्थात जो वैदिक संस्कृत के बाद जो ग्रंथों की भाषा थी कौन सी थी, लौकिक, अर्थात जिसमें हमारे ग्रंथ रचे गए रामायण और महाभारत आदि की रचना हुई वो कौन सी संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत। इसके बाद में क्या हुआ, साहित्यिक और लौकिक संस्कृत के बाद में क्या हुआ, देखिए लौकिक संस्कृत के बाद में जो भाषा आई वो आई पाली भाषा। कौन सी भाषा आई, पाली भाषा। तो पाली भाषा जो आई उस पाली भाषा में कौन से ग्रंथ रचे गए, तो जो बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो रचे गए पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ रचे गए, जैसे अभिधर्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक, तीन ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के जो रचे गए। उसके बाद में आई प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आई, प्राकृत भाषा, जो जिसमें कौन से धर्म के ग्रंथ रचे गए, जैन धर्म के ग्रंथ रचे गए। अब क्या होता है कि जब प्राकृत भाषा आई तो प्राकृत भाषा के आने के बाद में जिस प्रकार से जो हमारी संस्कृत मूल भाषा थी उससे वैदिक और लौकिक संस्कृत बनी, और लौकिक संस्कृत के बाद में फिर उससे जो विकास हुआ वो पाली भाषा का हुआ, और पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ। तो देखो आप यह हम सभी लोग क्या करते हैं, जब कोई भाषा है और उस भाषा में कई क्लिष्ट शब्द होते हैं और उन क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण हम क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं। जैसे मान लो एक नाम होता है रामेश्वर, क्या होता है, रामेश्वर। अब जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उस रामेश्वर को क्या बोलते हैं, रामेश्वर, क्या कहते हैं, रामेश्वर कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जो प्राकृत भाषा में यही हुआ कि जो प्राकृत भाषा थी उसमें जो शुद्ध शब्द थे या जो शुद्ध भाषा के शब्द थे उन शुद्ध भाषा के शब्दों को लोगों ने क्या किया, गलत उच्चारण किया। था जैसे रामेश्वर शब्द है उसको रामेश्वर बोलते हैं, ठीक वैसे ही प्राकृत के जो शब्द थे उनको विकृत कर दिया, अर्थात गलत रूप दे दिया, अर्थात गलत बोलने लग गए। कि जैसे क्या होता है, हमारी जो भूमि होती है उस भूमि में गड्ढे हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भ्रंश पड़ना या गड्ढे हो जाना, क्या कहते हैं, भ्रंश या गड्ढे कहते हैं। इन सब चीजों को क्या कहते हैं, भ्रंश या गड्ढे कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब प्राकृत भाषा में क्या हुआ, प्राकृत भाषा का जब रूप बिगड़ा तो उसे क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया, यानी प्राकृत से जिस भाषा का जन्म हुआ वो कौन सी भाषा हुई, अपभ्रंश भाषा हुई। और इस अपभ्रंशों से ही, इन अपभ्रंशों से ही हमारी हिंदी का निर्माण हुआ। अर्थात अपभ्रंशों से कौन कौन से अपभ्रंश निकले, पहला जो अपभ्रंश था वो था शोर से, दूसरा जो था वो था मागधी, और तीसरा जो अपभ्रंश था वो था अर्धमागधी। यानी इस प्रकार
प्रकार से अपभ्रंश भाषा के जो तीन रूप हुए, स्वर शैली अपभ्रंश, मातृ अपभ्रंश और अर्ध मातृ अपभ्रंश, इन तीनों अपभ्रंशों से ही आज की जो हमारी हिंदी भाषा है उसका निर्माण हुआ। यानी इन तीनों अपभ्रंशों की जो अनेक बोलियां हैं, यानी इनके जो और रूप बिखरे उन रूपों में आज की हमारी हिंदी भाषा है, जिनके अंतर्गत अनेक भाग किए गए। मुख्य रूप से पांच भाग किए गए। तो देखिए कौन कौन से भाग किए गए। पहले मैं एक बार दोबारा चर्चा करना चाहूंगा इस बात की कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत में कहां से आई, क्या सीधे संस्कृत से हिंदी का विकास हो गया या फिर बीच में कुछ और हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा की वो कब थी, 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से थी संस्कृत भाषा। उसके बाद में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व तक, ठीक इसके बाद में जो पाली थी वो थी 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी तक। उसके बाद में जो प्राकृत थी वो पहले ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी सन तक रही, यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारी लौकिक संस्कृत का पीरियड रहा, चोला संस्कृत का पीरियड रहा। उसके बाद में 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी पहली ईस्वी तक इसका पीरियड रहा पाली भाषा का, और पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक यानी सन 500 तक प्राकृत भाषा का पीरियड रहा, और 500 के बाद का जो पीरियड है उसके बाद से हमारी हिंदी का विकास हो रहा है, अर्थात प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश जो अपभ्रंश है वो स्वर से ही मातृ और अर्ध मातृ से बने। तो इन तीनों का जो रूप है वही क्या है, हमारे अपभ्रंश है। अर्थात जो तीनों स्वर से भी अपभ्रंश, मातृ अपभ्रंश और अर्ध मातृ अपभ्रंश है, इनसे ही हमारी हिंदी का क्या हुआ, आज की जो हमारी हिंदी है वो हिंदी इनसे बनी हुई है, इन अपभ्रंशों से ही बनी हुई है। तो देखिए आज कौन कौन सी बोलियां, कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित है देखिए। इसके अलावा आपने ये भी जान लिया कि अपभ्रंश कैसे आई, अर्थात प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था उसे क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। जैसे हम रामेश्वर को रामेश्वर कह देते हैं, अर्थात शब्दों की जब सही शब्दों का जब सही उच्चारण नहीं होता है अर्थात विकृति आ जाती है, अर्थात भ्रंश पड़ जाते हैं, गलतियां होती हैं, तो ये होने वाले जो भ्रंश उन्हें क्या कहा गया, अपभ्रंश। अर्थात जो विकृतियां भाषा में पैदा हुई प्राकृत भाषा में उन्हीं से अपभ्रंशों का विकास हुआ, और उन्हीं अपभ्रंशों को क्या कहा गया, अपभ्रंश भाषा कहा गया। भाषा के बिगड़े हुए प्राकृत भाषा के बिगड़े हुए रूप को अपभ्रंश कहा गया, और उन अपभ्रंशों में कौन कौन से अपभ्रंश हैं, स्वर से ही मातृ और अर्ध मातृ। अब देखिए आप इन तीनों अपभ्रंशों से आज की जो हमारी हिंदी है वो कैसे हमारे सामने आई, देखो। तो आज की जो हमारी हिंदी है उसका जो रूप मानते हैं, मानते हैं कि खड़ी बोली का विकसित रूप है। कौन सी बोली का विकसित रूप है, जिसे कोरवी भाषा भी कहा जाता है, कुरु प्रदेश की जो भाषा है उसे क्या कहा जाता है, कोरवी भाषा भी कहा जाता है। तो खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है, तो इसका विकसित रूप मानते हैं। अभी जो हमारे अपभ्रंश है इनसे कौन कौन सी भाषाएं भी देखो, तो सबसे पहला जो रूप आता है हमारी खड़ी बोली में, तो पहला जो रूप है वो होता है पूर्वी हिंदी। कौन सा रूप आता है, पूर्वी हिंदी। इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, तो देखिए अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखी गई, अर्थात तीन अपभ्रंशों से जो बोलियां निकली उनमें जो भाग किए गए हिंदी भाषा के, तो पूर्वी की पहला किया गया जिसमें कौन कौन सी बोलियां आती है, वर्तमान की अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद में दूसरी जो आती है वो होती है पश्चिमी हिंदी।
जिसके अंतर्गत किसको रखा गया? ब्रज भाषा को, बांगड़ू भाषा को, खड़ी बोली को, बुंदेली को और कन्नौजी बोलियों को किसके अंतर्गत रखा गया? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तीसरा जो रूप आया वो आया राजस्थानी हिंदी का। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां राजस्थानी हिंदी की? तो वे हैं हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और कुछ विद्वान ढूंढारी को भी किसका रूप मानते हैं? राजस्थानी हिंदी का रूप मानते हैं। इसके अलावा जो चौथा भाग है वो है अपना बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां रखी गई? तो मगही, मेथी और भोजपुरी। यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मेथी और भोजपुरी को रखा गया। तो पांचवा रूप है वो है अपना पहाड़ी हिंदी। इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं? कुमाऊँ, गढ़वाली और मंडियाली। यानी कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली ये तीनों बोलियां कौन सी भाषा की है? पहाड़ी हिंदी है उसकी तीनों बोलियां है। अर्थात अब तक आपने देखा कि जो वर्तमान स्वरूप है हमारी हिंदी का उसे वो हिंदी विस्तृत है पूर्वी, उसे पांच भागों में विभाजित किया। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जिसमें बहुत सारी बोलियां हैं। ये सभी बोलियां किसका रूप है? हिंदी भाषा का एक विस्तृत रूप है। अर्थात अब आगे देखते हैं कि ये सारी की सारी जो बोलियां हैं हमारे भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं वो इस सबके अंतर्गत आते हैं। तो मध्य जो भारत है उसमें आने वाले जो राज्य हैं ज्यादातर, जैसे राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा का कुछ भाग, इनमें भी कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो अधिकतर बोली जाती है। तो हमारा जो भारत देश है यानी ज्यादातर जो मध्य भारत है यानी इधर से लेकर के इधर तक, उस मध्य भारत से ज्यादातर हिंदी भाषा वासी राज्य है और उन सब में ये बोलियां क्या होती हैं? बोली जाती है। आगे देखें कि हमारे सामने जो हिंदी का वर्तमान स्वरूप है उनमें ये बोलियां हैं। अब हिंदी भाषा के इसी स्वरूप को यानी इन बोलियों से बनी हुई हिंदी भाषा को कल 14 सितंबर 1949 को
स्वरूप को 14 सितंबर 1949 को क्या कहा गया? राजभाषा कहा गया, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। देखिए अब देखिए एक शब्द आया था सामने राजभाषा, तो यही जो हिंदी है उसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा कहा गया, राजभाषा घोषित किया गया। संवैधानिक दृष्टि से यह महत्व है हिंदी भाषा का संविधान। अब देखिए हमारे सामने राजभाषा शब्द आया, तो हम देखेंगे जो अगली बात करेंगे वो है बोली के ऊपर। बोली भाषा मातृभाषा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में, यानी इन सब समझने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। बोली देखिए क्या होती है, बोली यानी भाषा का वह रूप, कौन सा रूप? भाषा का वह रूप जिसका क्या हो, सीमित क्षेत्र हो, यानी जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कब बोली जाती है, कहां बोली जाती है? सीमित क्षेत्र में, अर्थात जिसका एरिया क्या हो, छोटा हो। क्या हो? छोटा हो, जिसका व्याकरण नहीं हो या शब्दकोश नहीं हो। भाषा का वह रूप या वह माध्यम जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, जिसका कोई व्याकरण निश्चित नहीं होता है, जिसका कोई शब्दकोश बना हुआ नहीं है, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और बोली के संबंध में एक छोटी सी बात हमारे यहाँ पर प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि चार कोस पर बदले पानी और आठ कोस पर बदले वाणी। कि कोसों कोसों पर क्या होता है, बोली में अंतर आता जाता है। जिस प्रकार से पानी बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से वाणी भी क्या होती है, बदलती रहती है। तो जो बोली है वो किसे कहते हैं? भाषा का वह जिसका क्षेत्र कैसा हो, सीमित क्षेत्र हो, अर्थात छोटे एरिया में बोली जाती है, और जिसका कोई निर्धारित व्याकरण नहीं होता है, कोई शब्दकोश नहीं होता है, वह बोली कहलाती है। ठीक इसके विपरीत भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा का वह जिसका क्षेत्र विस्तृत हो, अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे राजस्थानी भाषा है। लेकिन राजस्थानी जो भाषा है क्योंकि उसे अभी भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में क्या नहीं मिली है, मान्यता नहीं मिली है। लेकिन उसे राजस्थानी भाषा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थानी भाषा का आज शब्दकोश बनकर के तैयार हो चुका है और उसका व्याकरण भी लगभग लगभग निश्चित हो रहा है, इसलिए उसे भाषा कहा गया है। अर्थात भाषा का वह रूप जो विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता हो, जिसका शब्दकोश हो, जिसका मानक व्याकरण हो, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। यानी जो कैसे कब बोली जाती है? भाषा का वह रूप इसके अलावा देखिए मातृभाषा किसे कहेंगे? मातृभाषा कहेंगे यानी मातृ यानी माता की भाषा, मातृ यानी पैर माता, अर्थात माता की भाषा। एक बालक जब जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत वह अपनी माता से सबसे पहले कुछ सीखता है, अर्थात जिस भाषा को व्यक्ति क्या करता है, अपनी माता से
और अपने परिवार समाज से सीखता है उसे कौन सी भाषा कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। यानी जिस भाषा को व्यक्ति अपने समाज से, अपने परिवार से और अपनी माता से सीखता है वही कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होती है। ठीक इसी प्रकार से अगली जो बात आती है वो होती है राजभाषा की। राजभाषा किसे कहेंगे? अर्थात सरकार के काम करने की भाषा या राजकाज की भाषा। किसकी भाषा? राजकाज की भाषा। सीधे शब्दों में कहें अर्थात राजभाषा के बाद हमारे जब हमने पढ़ा कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा घोषित किया गया। अब राजभाषा से क्या अर्थ हुआ? अर्थात राजकाज की भाषा, अर्थात जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी जो भी आदेश निर्देश जो भी कार्यविधि होती है, क्रियाविधि होती है, वो सब जिस भाषा के अंदर, जिस भाषा में संपादित होते हैं, पूर्ण होते हैं, उसे राजभाषा कहा जाता है। तो हमारा जो संविधान पहले हुए हिंदी भाषा के बारे में वो क्या है? देखिए 14 सितंबर 1949 को जिस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया वह भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी भाषा है? हिंदी है। अर्थात हमारे भारतवर्ष के जितने भी सरकारी दफ्तर है, कार्यालय, उन सब में जो भी कार्य संपन्न होता है वो किसमें होता है? हिंदी में होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में होता है। तो हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई? राजभाषा और हिंदी की चर्चा की गई। अब आप देखिए कि हमारा जो संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। उस 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में क्या किया जाता है? जो भाषाएं होती है उन्हें मान्यता दी जाती है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या प्राप्त है? मान्यता प्राप्त है। अर्थात हमारे भारत देश में कितनी भाषाएं हैं? संविधान के अनुसार 22 भाषाएं। इनको भाषा का दर्जा प्राप्त है। अर्थात इनका निश्चित व्याकरण है, शब्द कोश है, इनका विस्तृत क्षेत्र है, ये वाली बात है। तो इस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा, जो भाषाओं का दर्जा दिया गया है, उनमें जो पहला स्थान है वो किसका है? हिंदी का है। यानी हमारे देश के जो राजकाज के सारे काम होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे? हिंदी भाषा में होंगे। कौन सी भाषा में होंगे? हिंदी भाषा में। और इसके साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा का उपयोग भी कर सकते हैं, ऐसा भी संविधान में लिखा हुआ है। तो सबसे जो पहला नंबर हिंदी भाषा का है, इसलिए हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो राजभाषा से संबंधित जो बात थी वो आप सबके सामने स्पष्ट हो गई होगी कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं जिन्हें भाषा की मान्यता प्राप्त है। उनमें से जो पहला स्थान है वो हिंदी भाषा का है। और हिंदी भाषा के बारे में जो विस्तार से चर्चा है वो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी राजभाषा के बारे में हिंदी की चर्चा की गई है। कहां, कैसे और कब हिंदी भाषा का प्रयोग हमें करना है। इसके बाद में जो बात आती है वो अपनी राष्ट्रभाषा की। तो राजभाषा सुधार भाषा हो गई, जो हमारे राजकाज के अर्थात प्रशासनिक कार्य की भाषा हो, जिसमें सारा सरकारी पत्राचार कार्यालय का कार्य वगैरह होता है। राष्ट्रीय भाषा होती है इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वह भाषा जो किसकी भाषा हो? राष्ट्र की भाषा हो। यानी किसकी भाषा हो? हमारी जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रभाषा बनने की ओर वह अग्रसर है। अभी तक हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते तो है लेकिन संवैधानिक मान्यता है उसे राष्ट्रभाषा की प्राप्त नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र की भाषा हो। कौन सी भाषा हो? जो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा होती है। तो हमारी जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है, सारे राष्ट्र की जो लोकप्रिय भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो आज की जो भाषा की वार्ता है
वो हमारी यही समाप्त होती है। आज की जो पूरी वार्तालाप हुई उसमें अब तक आपने ये समझा ये जाना कि भाषा के जो तीन प्रकार होते हैं मौखिक लिखित और सांकेतिक रूप, उनमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत से उसका जन्म कैसे हुआ, सबसे पहले संस्कृत भाषा उसके बाद में लौकिक वैदिक और लौकिक भाषा के बाद में जिन भाषाओं का जन्म हुआ वे कर्मश पाली और प्राकृत रही। जब प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ गया अर्थात वलन या गड्ढे पड़ जाने से जिस प्रकार से भूमि में भ्रंश पड़ जाने से विकृत रूप हो जाता है, वैसे भाषा में विकृति आ जाने से जो भाषा का रूप बिगड़ा उसे अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश के जो तीन रूप है जिनसे आज हमारी वर्तमान की हिंदी कायम है, मातृ अर्धमातृ और स्वरशैली अपभ्रंश जिनसे हमारी हिंदी का विकास हुआ है, उनकी पांच बोले पांच जो भाग किए गए हिंदी के, पहला पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी, तीसरा राजस्थानी चौथा बिहारी और पांचवा पहाड़ी हिंदी, जिसकी जो बोलियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। ये बोलियां हैं जो हमारे ज्यादातर जो हमारा मध्य भारत है पूर्व से पश्चिम तक उसमें क्या होता है ज्यादातर हिंदी भाषा भाषी राज्य है, जिनमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ राजस्थान और भी जो हिमाचल है उत्तराखंड है उत्तरांचल सारे के सारे राज्य इसके अंतर्गत रखे गए हैं हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। इसके बाद में आपने जाना कि इन हिंदी की बोलियां जो है उसका ही वर्तमान स्वरूप है अर्थात 14 सितंबर 1949 को हमारी इसी हिंदी भाषा को अर्थात इसकी जो इतनी बोलियां हमने देखी उन पांच रूपों में जो बोलियां समाहित है उन बोलियों के पूरे रूप को क्या स्वीकार किया गया राजभाषा स्वीकार किया गया यानी 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद में हमने समझा कि बोली क्या होती है भाषा क्या होती है मातृभाषा क्या होती है राजभाषा हिंदी जिसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हमने देखा कि संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 345 अंतर्गत हिंदी के राजभाषा के बारे में क्या क्या प्रावधान है उनकी चर्चा की गई है और राष्ट्रभाषा के बारे में हमने चर्चा की है। आज की जो भाषा की वार्ता होती है वो यही समाप्त होती है। अगले वाले कक्षा में हम व्याकरण और लिपि के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।